आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली स्पेशल बेसन की बहुत ही टेस्टी बर्फी। इसको आप मोहन थाल भी बोल सकते हैं। बनाने में बेहद आसान है, खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि जैसे कि मार्केट की होती है ये मिठाई, लेकिन मार्केट की मिठाई से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये मिठाई होने वाली है, क्योंकि मार्केट में तो पता नहीं किस तरीके का लोग घी यूज़ करते हैं या क्या मिलावट करते हैं उसके अंदर। तो घर में आप इस तरीके से बिना मिलावट के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो हम कोई भी कंडेंस मिल्क यूज करेंगे, ना ही चाशनी बनाएंगे, ना ही कोई मिल्क पाउडर यूज करेंगे, ना ही मावा यूज करेंगे। बिना इन सभी चीज़ों के ये इतनी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार होगी कि अगर एक बार बना लेंगे आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विसीमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रख लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कटोरी भरकर देसी घी। घी को मैंने यहाँ पर मेल्टेड फॉर्म में लिया है, इसी तरीके से आप भी लें तो मेजरिंग एकदम परफेक्ट होगी। कोई कप या कटोरी ज़रूर सेट कर लें। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, गर्म करने के बाद उसी कटोरी से नाप कर 2 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन। बेसन नॉर्मली जो भी आपके घर में होता है या जो भी आप लाते हो उसको आप यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई मोटा बेसन या पतला बेसन यूज करना है, जो भी आपके घर में यूज हो उसी को आप यूज कर सकती हैं। तो अब इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। आपको हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना है, अभी आपको ये थोड़ा सा टाइट लग रहा होगा, क्योंकि बेसन की एक खासियत होती है कि जब उसको हम भूनते हैं ना तो सबसे पहले तो वह घी को एब्जॉर्ब करता है जितना भी हम घी डालते हैं, और जैसे जैसे वो भूनने लगता है धीरे धीरे वो सारा घी रिलीज़ करने लगता है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरा घर महकने लगता है। बस वही पहचान होती है बेसन को भुनने की कि ये बेसन भुन चुका है। अभी आपको देखिए धीरे धीरे, जब मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है, थोड़ा सा ये धीरे धीरे पतला सा होता जा रहा है। इसी तरीके से हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक ये थोड़ा लिक्विड सा ना हो जाए, मतलब कि जितना घी इसने एब्जॉर्ब किया है उसको ये रिलीज़ ना कर दे। बस आपको ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना है, नहीं तो अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे ना तो ये फटाफट से भुन जाएगा, बाहर से डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि जब हम लड्डू या बर्फ़ी खाते हैं बेसन के तो वो गले में चिपकते हैं, तो इसका यही रिजल्ट होता है कि हमने उसको अच्छे से नहीं भुना है। जितना आप इसको आराम आराम से भुनेंगे, जो बेसन की बर्फ़ी है या लड्डू जो भी आप बना रहे हों, वो इतने टेस्टी बनेंगे कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। वैसे तो बेसन की बर्फ़ी हो या लड्डू हो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन इसे बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसन को भूनने में ही सारी मेहनत होती है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना बिना किसी मिलावट के और उसको जब खाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है और सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ुद को भी खुशी होती है जब हम कोई चीज़ इस तरीके से घर में बनाकर खाते हैं, और जब हम किसी को खिलाते हैं वो जब हमारी तारीफ़ करता है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हमें इसमें चाशनी बनानी ही नहीं है, क्योंकि चाशनी का ही झंझट होता है कि 1 तार वाली बनाएं या 2 तार वाली, कभी कभी चाशनी गलत बन जाती है तो बर्फ़ी हमारी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इसमें हम ना तो कोई चाशनी बना रहे हैं, ना ही इसमें कोई मावा यूज कर रहे हैं, ना ही कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं, और तो और ना हम इसमें कोई मिल्क पाउडर यूज करेंगे, केवल और केवल बेसन से इस बर्फ़ी को हम बनाकर तैयार करेंगे, और आप देखना इसका रिजल्ट कितना बेस्ट आएगा। लेकिन आपको बनानी ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बेसन है वो थोड़ा लिक्विड सा हो गया है, मतलब कि बेसन ने सारा घी रिलीज़ कर दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, जो है ये दूध की मलाई। ये मैंने 1/2 कप दूध की मलाई ले ली है, जो हम दूध गर्म करते हैं ना डेली घर में आ जाती है दूध को ठंडा करने के बाद, उसी को मैंने ले लिया है, बस 1/2 कप ही लिया है, उसी कप से ना आपका जिससे मैंने बेसन लिया है या कटोरी से। इसे डालने से ना आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छी हमारी बर्फी बनेगी बिना किसी मावे के, बिना किसी कंडेंस मिल्क के और बिना ही किसी मिल्क पाउडर के। इस तरीके से इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और मलाई के साथ में हमें बेसन को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और भूनना है। ये हमारा बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और इसे करने से ना बर्फ़ी में बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे कि हमने इसमें मावा डाल दिया हो। आप इस ट्रिक को एक बार कर ज़रूर देखना।
तो मलाई डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये दूध लिया है मैंने, ठंडा दूध है, दूध को उबालने के बाद मैंने फ्रिज में रख रखा था, बस उसी दूध को ले लिया है। तो ये मैंने 4 चम्मच दूध की ली है, इसको हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसको धीरे धीरे कर डालेंगे। इस तरीके से जब हम इसमें दूध को डालते हैं ना तो इसमें एक दाना सा पड़ने लगता है, दानेदार हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। अगर आपका बेसन बारीक भी होगा तब भी आप इस दूध को डालकर देखना, जो आपकी बर्फ़ी है या लड्डू है बिल्कुल दानेदार बनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने को मोटे बेसन से बनाया हो। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको इस तरीके से दिवाली पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो हमने कढ़ाई को गैस से उतार लिया है क्योंकि हमारा बेसन भुन चुका था, इसको हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है हिलाकर। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इलायची का पाउडर फ्लेवर आने के लिए, इसको अच्छे से मिला देंगे और गैस से उतारने के बाद ही हमें ये सारा काम करना है जो मैं आप कर रही हूँ। सबसे पहले हम बेसन को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही हमें इसको ठंडा करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठे के लिए 1 कटोरी भरकर चीनी का पाउडर। नॉर्मली मैंने चीनी को लिया था, जार में डाला और उसको पीस लिया, इस तरीके से हमारा पाउडर बन गया है। तो अब इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे। और चीनी डालने के बाद यदि आपका जो मिक्स है ये थोड़ा आपको टाइट लगे तो आप क्या करें, गैस पर इसको रख दें और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर चला लें, तो जो आपकी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो हमने चीनी मिलाने के बाद अब ले लिया है यहाँ पर एक ट्रे बर्फ़ी वाले जमाने के लिए। इसको मैंने घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो निकालने में कोई भी परेशानी ना हो। अब ये सारा मिक्स बर्फ़ी वाला इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे, स्पैचुला से इसको अच्छे से फैला देंगे। जितनी मोटी या पतली आप इस बर्फ़ी को बनाना चाहती हैं ना उस हिसाब से आप इसको फैला दें, तो स्पैचुला से इसको फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से नट्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। मैं थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता डाल रही हूँ इस तरीके से बारीक बारीक काट कर। अब इसको डालने के बाद स्पैचुला से इसको एक बार और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जब ये सेट हो तो ये ड्राई फ्रूट भी इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से दबाने के बाद अब इसको हम छोड़ देंगे इसी तरीके से काउंटर टॉप पर लगभग 1 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, हम बर्फ़ी को काट लेते हैं। ये देखिए जब मैं इसको काट रही हूँ आपको देखने से ये पता लग रहा होगा कितनी अच्छी हमारी ये बर्फ़ी सेट हुई है। बिना चाशनी के हमने इसको बनाकर तैयार किया है। जब आप इसको किसी को खिलाएंगे ना वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में बनाकर तैयार किया है बिना मावा के, वो भी बिना चाशनी के, क्योंकि बर्फ़ी तो अक्सर चाशनी में ही बनाई जाती है, बिना चाशनी के तो मुश्किल होती है बनाने में, लेकिन इसको हमने बिना चाशनी के बनाया है। आप मेरे तरीके से इस बर्फ़ी को एक बार ज़रूर बनाकर देखना, यकीन मानिए जब आप इसको खाएंगे या किसी को खिलाएंगे ना आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको इस तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, आपके एक लाइक से और कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो आप इसको बनाइए इस दिवाली पर, बनाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कोई झंझट नहीं है, जो बिगनर्स हैं वो भी इस बर्फ़ी को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं क्योंकि हमने इसमें चाशनी का झंझट ही नहीं रखा है। चाशनी में ही लोगों को दिक्कत होती है बनाने में कि चाशनी 1 तार की बनाएं या 2 तार की बनाएं, कभी कभी चाशनी बनाने में गड़बड़ हो जाती है और बर्फ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन इस तरीके से बनाइए आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।